और पूरे जिले में कलेक्टर के निर्देश पर अवैध धान की खरीदी बिक्री पर रोकथाम करने को लेकर मुहिम चल रही है। वहीं धमदा तहसीलदार लगातार धान खरीदी बिक्री करने वाले व्यापारी कोचियों की जांच कर रहे हैं और अवैध तरीके से अनाज का भंडारण कर रखने और खरीदी बिक्री करने पर कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई में रामकुमार यादव सिन्ना भाटा स्थित अनाज भंडार दुकान में 40 क्विंटल धान को जब्त किया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और अनुभागीय अधिकारी धमदा के मार्गदर्शन में सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज धमदा सिरना भाटा क्षेत्र में रामकुमार यादव के द्वारा अवैध धान संकलन करके रखा हुआ था, जिसमें 40 क्विंटल धान जब्त करके मंडी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।